अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेसेंट नोट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कैंटो 3 पार्ट 1 इन डिटेल, जिसमें हमने बहुत से अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस कंप्लीट कैंटो 3 इन ईजी एंड सिंपल वे। हमारा कैंटो 3 पार्ट 1 का लास्ट पॉइंट ये था कि बैरन के दिमाग में क्या चल रहा है। द गॉड्स विल एवेंज देमसेल्व्स फॉर हिज रैश डीड्स। बैरन को कम अज़ कम स्काइला की रैश डीड याद रखनी चाहिए थी और फिर जो कुछ स्काइला के साथ हुआ एंड द डेस्टिनी शी रीप्ड फॉर हर अनजस्ट एक्ट। हु वॉज स्काइला, स्काइला कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये ग्रीक मैथोलॉजी में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्काइला वॉज सी निम्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सी मॉन्स्टर। इन ग्रीक मिथोलॉजी शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग नाइसस ऑफ मैग्रा। 17 सेंचुरी में किंग नाइसस की बेटी स्काइला दुश्मन माइनस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। माइनस द किंग ऑफ क्रेट अटैक्ड नाइसस किंगडम ड्यूरिंग अ वार विद एथेंस ओवर द डेथ ऑफ हिज सन एंड्रोजियस। किंग नाइसस की एक पर्पल लॉक या पर्पल कलर की लट थी जो उसको हर किस्म के ख़तरे से बचाती थी। एक वर्जन में यह भी कहा जाता है कि माइनस ने स्काइला को वरगलाया था कि वो इसको गोल्ड नेकलेस देगा अगर इसने अपने बाप का कत्ल किया, और दूसरे वर्जन में ये कहा जाता है कि स्काइला ने पर्पल लॉक कट ऑफ करके माइनस को प्रेजेंट कर दिया, ड्यू टू विच माइनस वॉज डिसगस्टेड विद हर एक्ट कॉलिंग हर अ डिसग्रेस। एज माइनस शिप सेट सेल स्काइला अटेम्प्टेड टू क्लाइम अप वन ऑफ देम बट नाइकस हु हैड टर्नड इन टू सी ईगल और ऑस्प्रे अटैक्ड हर सो हर डॉटर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ बर्ड एज सैरिस। एक वर्जन में ये भी कहा जाता है कि नाइसस ने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया था जैसे ही इसने अपनी वाइटल लॉक को खोया था। This was the punishment given to Skyla for having plucked the purple lock of her father. The courts warned Baron that if he does not desist from the act of clipping away the golden lock of hair from beautiful ladies Belinda had, he too might have to suffer some serious punishment at the hand of the just God. Pope says that human nature is inexorable. बहुत सख्त किस्म की, बेरहम किस्म की इंसानी फितरत होती है। वंस ह्यूमन बींग्स डिसाइड अपॉन एन इवल कोर्स ऑफ एक्शन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसवेड देम फ्रॉम सच एन एक्ट। अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई शैतानी ख्याल आ रहा है या कोई शैतानी काम करने का ख्याल दिमाग में आ रहा है तो उसको इस चीज़ से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। Just at the time when Lord Peter decided to clip away the lock of Belinda's hair, Clarissa, a lady sitting close to the Baron, Lord Peter handed over to him a pair of scissors for the execution of his evil design. Clarissa took out with a charming grace a two-edged weapon from her shining case and handed over the same to Lord Peter. The whole picture is a parody of the epic and helps to increase the satiric value of the poem. The poet says that Baron is taking a great liberty with Belinda under the impression that she is in love with him. It has already been indicated that the Sylphs were the protectors of only pure and chaste women, but Belinda being secretly enamored towards the Baron is not entitled to Ariel's protection. क्योंकि एरियल जैसे दिलों का हाल जान लेते थे तो वो भी जान गया था एरियल भी कि कहीं ना कहीं बेलिंडा के दिल में बैरन है। एज सून एज बेलिंडा बिकम्स अफेयर ऑफ द क्लिपिंग ऑफ द लॉक शी इज़ मैड विद टेरिबल रेज एंड गिव वेंट टू द मोस्ट वायलेंट टेम्पर। हर आइज फ्लैश विद एंगर लाइक अ लाइव लाइटनिंग फ्लैश। देन द पोएट डिस्क्राइब्स द बैरन्स जॉयस एक्सक्लेमेशन ऑन ऑब्टेनिंग बेलिंडास कोवेटेड लॉक।
हैविंग डिक्लेयर डैट दिस सक्सेस विल मेक हिम हिज फेम इमॉर्टल ही अर्जिस द निम्फ नॉट टू फ्रेट मच ओवर द इंसिडेंट. इन द ट्रू मॉक एपिक स्टाइल द पोएट पेंट्स अ क्लाउनिश पिक्चर ऑफ द बैरन इन हिज एक्सल्टेशन आफ्टर securing Belinda's lock of hair. The narrative voice muses on how little chance the lock has against the scissors, since steel could the labor of the gods destroy and strike to dust the imperial towers of Troy. Troy was a city in the northwest of Asia Minor, modern Turkey. Reference to the Trojan War, in which the city of Troy, which was supposed to have been built by gods, was destroyed by the Greeks, that is Alexander Feast. Inshallah, next video mein hum Canto 4 ko detail mein discuss karenge. Hope mera aaj ka lecture aapko samajh aa gaya hoga. So please subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.